मुस्लिम समाज का पवित्र महीना माहे रमजान चांद दिखने के दूसरे दिन से शुरू होता है। मुस्लिम समाज पूरे एक महीने पूरी शिद्दत के साथ इबादत करते हुए भूखे प्यासे रहकर 13 से 14 घंटे का रोजा रखता है। वार्ड नंबर 62 माया बाजार के पार्षद समद गुफरान के पिता स्वर्गीय गुफरान अहमद अपने पिता की याद में हर साल रमजान के महीने में सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन करते हैं। मोहल्ले के आसपास के लोग और उनके परिचित सभी लोगों को रोजा इफ्तार की दावत दी जाती है। हालांकि पहले दिन लोग अपने घर पर ही रोजा खोलना पसंद करते हैं, लेकिन पार्षद समद गुफरान के परिवार की मोहब्बत में लोग पहले दिन अपने घरों से निकलकर मियां बाजार स्थित इमाम बाड़ा स्टेट में सामूहिक रोजा इफ्तार में शामिल होते हैं। सभी लोग एक साथ रोजा खोलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि देश में अमन, शांति और मोहब्बत बनी रहे, आपसी भाईचारा बनी रहे और इस पवित्र महीने में अल्लाह सबको बरकत दे। पार्षद समद गुफरान की माता सेवानिवृत्त प्रवक्ता इमामबाड़ा गर्ल्स कॉलेज की सुल्तान जहां की सरपरस्ती में उनके दोनों पुत्र सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। इस अवसर पर सैयद साहब कैफी जमील अहमद, शकील अहमद उर्फ दीवान, यूसुफ वारसी, नमी मोहम्मद वारसी समेत अन्य लोग सामूहिक रोजा इफ्तार में शामिल हुए। इस संवाद में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद समद गुफरान ने कहा, देखिए ये जो प्रोग्राम है ये हमारे मरहूम वालिद गुफरान अहमद सिद्दीकी साहब ने करीब 40 साल हो गया ये शुरुआत किया था। चूँकि ये शुरू में एक छोटे पैमाने में घर से ही होता था और उसके बाद सामने हमारे एक स्कूल में होने लगा और फिर अल्लाह के करम से और लोगों की दुआओं से, लोगों का जज्बा, लोगों की दुआएं मेरे साथ रही और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और आप पीछे की लोगों को देखिए, ये लोग पहले दिन अगर अपने घर से रमज़ान का पहला दिन और इफ्तार मेरे यहाँ आके करते हैं तो ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है। जी ये पूरा पूछा समझिए कि ये पूरा मोहल्ला मेरा परिवार है। इसमें जो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो मेरे गार्जियन हैं, जो बच्चे हैं वो मेरा छोटे भाई हैं, वो सब सारी इंतज़ाम वही लोग करते हैं। तो बताया जाता है कि रमज़ान पवित्र महीना होता है, जो लोग करते हैं ये रमज़ान तो ऐसा है कि नेकी का महीना है। इस टाइम रोज़ा नमाज ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम अल्लाह से अपनी सारी जायज़ दुआएं पूरी करते हैं इस समय। और इसमें देखिए हम लोगों को ये भी एक मैसेज जाता है रमज़ान कि हम लोगों को सारे गरीब वर्गों का भी ख्याल करना है, वो हमारा पड़ोसी हो, वो चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और इस खासकर ज़िंदगी भर और हर समय ये इस्लाम ने एक पैगाम दिया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आपके यहाँ तमाम अच्छे व्यंजन बन रहे हैं तो आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं। तो एक रमज़ान एक ये मैसेज देता है कि ये हर आदमी के लिए है और ये देखिए हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अमन चैन प्रेम का त्यौहार। समद गुफरान पार्षद माया बाज़ार भारतीय जनता पार्टी।